सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, अगर आपने रेलवे की एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 37,000 वैकेंसी, अगर आपने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है या आप करने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको जरूर जानने चाहिए, जो कि इस बार रेलवे की भर्ती में पहली बार ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं, इनके बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। तो यही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके जो डाउट होंगे इससे संबंधित वो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेलवे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी द्वारा स्टार्ट किए गए लाइव कोर्सेज को ले सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप एक्सपर्ट टीचर द्वारा आपको क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पे लगभग आपको डेली 30 घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आप इस कोर्स को फटाफट से खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आपको इसे 1 महीने, 6 महीने, 1 साल वाला कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। 1 महीने वाले कोर्स को खरीदने के लिए आपको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट अगर आप हमारे द्वारा दिए गए कूपन कोड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके लिए आपको ओनली 900 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी केवल 900 रुपये। तो ज़्यादा सोचिए मत, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट से लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेस कर लें। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बात कर रहे हैं हम रेलवे की एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है 37,000 लगभग, तो उसके बारे में आप सभी को पता होगा कि हर एक कैटेगरी में, यानी जो भी रिजर्वेशन मिलता है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग से ही वैकेंसी निर्धारित की जाती है पहले से। जैसे कि मान लीजिए 1,000 वैकेंसी है, तो 1,000 वैकेंसी में से ही पहले ही पार्ट कर दिए जाते हैं कि जनरल के लिए 500 वैकेंसी होंगी, एससी के लिए 300 वैकेंसी होंगी, एसटी के लिए 100 वैकेंसी या 200 वैकेंसी, बाकी कैटेगरी में ऐसे ही वो डिवाइड कर दी जाती हैं। तो इसी तरीके से वैकेंसी हुआ करती थी, जो अब तक हुआ करती थी। इस बार भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन जब लास्ट टाइम जब अपनी भर्ती हुआ करती थी उसमें कुछ इस तरीके से हुआ करता था। मान के चलिए जनरल की कट ऑफ जाती है 80 और एक एससी का कैंडिडेट और वो 81 मार्क्स या 80 मार्क्स ऑप्टेन करता है तो उसे जनरल कैटेगरी में कर दिया जाता था। लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड की तरफ से, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जी हाँ, कि जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होंगे उनकी जो सीट होंगी जो निर्धारित की गई है पहले से, वो उसी कोटे में निर्धारित की गई है, यानी कि वो उसी में फाइट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए अगर 5,000 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए, तो आप 5,000 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। अगर आप चाहे मान लीजिए कितने भी ज़्यादा मार्क्स लेके जाएं तो आप ओपन कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, यानी रिजर्व जो अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट अब उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि मान के चले 10,000 वैकेंसी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो उसी कैटेगरी से भरी जाएंगी, यानी अदर की वैकेंसी अदर से फिल होंगी, ओबीसी की वैकेंसी ओबीसी से फिल होंगी, एससी की एससी से, एसटी की एसटी से। जिस कोटे में जितनी वैकेंसी है आप उसी कोटे में आप अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के बाद अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, यानी आपने कोई छूट ली है, तो आपको उसी कैटेगरी में पास होना पड़ेगा, और आप अगर कितने भी मार्क्स लेके आइए आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाओगे। आप इसे देखते हुए अगर बात करें जनरल कैंडिडेट में, तो काफ़ी उत्साह और काफ़ी खुशी का माहौल है कि अब उनकी वैकेंसी अदर कैंडिडेट अदर कोटे वाले नहीं खा पाएंगे, और जितनी वैकेंसी उन्हें मिलती है उन्हें पूरी वैकेंसी पे आराम से टेंशन फ्री होके वहाँ पे उन्हें वैकेंसी मतलब सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हम वहीं बात करें एससी कैटेगरी या एससी ओबीसी जितने भर रिजर्व कैटेगरी है उनमें थोड़ा आक्रोश है सिर लेके कि अब हमारी जो वैकेंसी हो गई है वो कम हो गई है, क्योंकि जब हम ज़्यादा मार्क्स लेके आते थे तो हम रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में जाके उनकी वैकेंसी मतलब घेर लेते थे और वहाँ पे नए कैंडिडेट आ जाते थे, जिसकी वजह से ज़्यादा सीटें उन्हें मिल जाती थी। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है। इससे आगे एक और मैं कटिंग आपको दिखा दूं, आप ये भी देख रहे होंगे, तो दोनों आप कटिंग देख लीजिए। इन दोनों में क्लियर कर दिया गया है कि अब आप जो रिजर्व वाले कैटेगरी होंगी वो अपने ही कोटे में सिलेक्शन लेंगी। तो काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, और अगर इसे देखा जाए तो रेलवे में इस बार एनटीपीसी में काफ़ी हेर फेदल देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में काफ़ी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जो आज तक हमने शायद ना देखा हो। तो अब देखते हैं कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से पूरी भर्ती कंप्लीट होती है। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो
तुरंत आपको अपडेट करा देंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।